हाय रजनीश सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सर इज अ लेजेंड इन हिस्ट्री और 2002 से सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ा रहे हैं और ये हमारी खुश नसीबी है। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है और आपसे जो है जानने का मौका मिल रहा है। तो सर जो है वी हैव लॉन्च दिस चैनल टाइम ट्रैवल और ये सीरीज है जिसमें पहले सीजन में हम बात करने वाले हैं सिविलाइजेशन तक। तो हम शुरू करेंगे बिग बैंग से, सिविलाइजेशन तक जाएंगे। सो जो है सर हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा ट्रेलर एंड व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट इज योर व्यू ऑन द कॉन्सेप्ट। मैं जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे सबसे पहले ये फील आई कि ये हिस्ट्री को बिलोंग करता है जी। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब तक कि आप किसी सब्जेक्ट का एम्बियंस नहीं क्रिएट करते हैं अपने देखने वालों के दिमाग पे, तब तक उनका उस चैनल को लेकर इंटरेस्ट नहीं जगता है जी, जी। और उनका एम्बियंस क्रिएट करना तभी संभव होता है जबकि क्रिएट करने वाले के पीछे में उस सब्जेक्ट का एक विजडम भी काम कर रहा होता है जी। तो आई विल अप्रिसिएट योर विजडम, मुझे देख कर लगा कि मैं इस चैनल को बिलोंग करता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर। सो बेसिकली सर जो है अभी थर्ड को लॉन्च हो रहा है और मैं उसके बाद भी आपसे बात करूंगा, जानना चाहूंगा कि और क्या रहा है आपकी और क्या हमें अचीव करना चाहिए। बट सर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपका क्या मानना है कि कितना हेल्प करेगा ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों को? मुझे लगता है कि एक जरूरत है और चूंकि जरूरत है तो इसमें जैसा कि एक्सपेक्टेशन है इससे लगता है कि थोड़ा स्पेसिफिक होगा, थोड़ा सा इंटेलेक्ट ओरिएंटेड होगा और इसमें फन हो चाहे ग्राफिक्स हो, इन सब के माध्यम से गहरी बातें कही जाएगी और बातें कह दी जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बहुत गहरी बातें हमें देखने को मिली। तो इस तरह की जरूरत होती है पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। कहते हैं कि वन विजुअल इज बिगर देन 100 वर्ड्स और यदि वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से आए तो आई कैन से कि इट इज बिगर इवन 1000 वर्ड्स। जी सर, पूरी कोशिश है हमारी, पूरी टीम जो है इसी पे काम कर रही है। तो वी वांट टू बिल्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू काइंड ऑफ कंटेंट फॉर स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स और पूरी कोशिश यही है कि हिस्ट्री में हम इस माध्यम से उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो सर मैं जो है फिर जुड़ूंगा आपसे एक बार ये वीडियो रिलीज हो जाए और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा और उसमें और क्या रिएक्शन है सर आपका। कनेक्ट करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, जितनी बार बात करता हूँ मुझे उतनी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहा हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर। मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।